क्लास 10th का एक मॉडल पेपर है, देख लीजिए कैसा मॉडल पेपर है मैंने बनाया है। बहुत ही एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप पांच मॉडल पेपर मैंने तैयार किए हैं, इसमें से एक पेपर है। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम से, जहाँ से ले सकते हैं। पहला पूछा गया है विषम पूर्णांक, पूछा गया है ऑड इंटीजर जो होता है 2m+1 होता है। इसमें पूछा है सम ऑफ जीरोस, शून्यांक को योग पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके अल्फा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब माइनस का 8/3 आएगा। के का मान ज्ञात करना है, कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा, हल करोगे तो के का मान 2 आ जाएगा। द्विघात समीकरण की डिग्री कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन सी एपी नहीं है, सी वाला एपी नहीं है। सबको पहले नॉर्मल नंबर में चेंज, जैसे ये नंबर देखे ना 50 100, ऐसा नॉर्मल नंबर आपको बनाना है पहले, उसके बाद उनका गैप ढूंढना है। वर्थ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वर्ष की सबसे बड़ी जीवा याद करनी है, जीवा बोलते हैं व्यास को, तो होती है 5 का डबल 10 आ जाएगी। निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है इस टाइप से सीधी, तो वो कहलाती है आपके एक्स अक्ष कहलाती है। साइन ए बराबर 4/5 है, तो टेन ए का मान क्या होगा, पहले आप आधार याद कर लेना क्योंकि लंब और कर्ण दे रखा है, आधार याद कर लेना 3 आएगा 3, फिर टेन याद करेंगे तो लंब बटा आधा मतलब 4/3, तो 4/3 होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। इसका मान याद करना है तो देखो 10 10 10 80 का मान होता है 1, इन दोनों का मान भी होता है 1, और ये है 1/√3, तो 1/√3 ही आएगा, बाकी गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। आपको ज्ञात करना है माध्य, सबको जोड़ लो 10 4 14 5 15 15 और 21 हो गए भी आपके 36, हम भाग देंगे 36 क्या हो 35 होंगे भाई, हाँ 14 और 21 होते हैं 35, 35 के अंदर भाग दिया आपने 5 का, ये आ गया 7। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 13 दे रखा है, 13 होगी सेंटर संख्या, सबसे पहले 2 संख्या आती है तो 9 आएगा आपके पहली संख्या। किसी घटना की प्रायिकता शून्य होने पर वो कहलाती है असंभव घटना। अब हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत कब होता है, जब रेखाएं क्या हो प्रतिच्छेदी एवं संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी एवं संपाती हो तो। नेक्स्ट हम अगला पद क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 4 गया -1, -1 में से 4 गया -5। वृत्त के बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, 8 10 a = 15 दे रखा है, तो साइन माइनस कॉस का मान क्या होता है, तो देखो 15/8 हो गया, तो कर्ण ज्ञात करेंगे 17 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 15/17 में से 17/17 में से 8/17 माइनस करना, उत्तर आएगा आपका 7/17। अब आपको बहुलक दे रखा है, बहुलक तो ये आपके इसका मतलब ये 7 लिखा हुआ है, क्योंकि देखो 4 भी 3 बार है और 7 4 कितनी बार है आपके 3 बार है, 7 भी 3 बार है, लेकिन ये बोल रहा है कि बहुलक 7 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 7 है। अगर यहाँ पर भी 7 है इसका मतलब है 5x-8/7, 8 को उधर भेज दो 15 हो जाएगा, गुणा के भाग में देंगे तो 3 उत्तर आएगा, एक्स का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान 3 होता है, तो 5 या 15-8/7 यहाँ पर आ जाएगा और 7 बहुलक कहलाएगा। 15/1600 को 10 में प्रसार क्या होगा बताना है, तो वही पहले टुकड़े करेंगे, 2 की घात 6 आएगा, 5 की घात 2 आएगी, फिर 5 4 बार कम पड़ेगा उसको, उससे गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना आपके 6 0.00975 ऐसा कुछ उत्तर। अगला दे रखा है आपके इसमें एक एक्स का मान 3 है, -3, जहाँ एक्स है ना वहाँ -3 लिखो और जो बाकी बचेगा वो के का उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के अंदर शून्यांक दे रखे हैं अल्फा बीटा, अगर इनको गुणा करते हैं तो ये आता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आता है, और ये बराबर आपके 0 दे रखा है, टी का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, शायद 1 आ जाएगा।
लेकिन पहले ध्यान रखना भाई, इसको पहले खोलना है आपको, क्योंकि एक स्क्वायर आएगा, स्क्वायर पास में एक्स वाई संख्या आएगी, बाकी बच्चा जो है ना वो आपके जाएगा पीछे सी के अंदर जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू दे रखे हैं, इनको हल करना है और के का मान ज्ञात करना है। रेखाएं संपाती है तो के का मान क्या होगा ये हमें बताना है। अगला वाला आपके दे रखा है 100x² - 20x + 1 दे रखा है, इसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या आ जाएगा, -1/10 - 1/10 हल कर देना। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, मर्जी है, इस मेथड से कर लेना। इसमें के का मान ज्ञात करना है, मूल अवास्तविक हो तो, इमेजिनरी रूट हो तो, नो रियल रूट हो तो क्या होता है, के का मान ज्ञात करना बिल्कुल ईजी है। मतलब ए का मान 1 मान लेना, बी का मान 5k, सी का मान 16 मानकर हल कर देना। अगला आपके दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है आठवां आपसे दे रखा है कि -8, 15 और ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। सूत्र हो जाएगा √x² + y² 8 का स्क्वायर 64 15 का होता है 225, दोनों को ऐड कर लेंगे 289, रूट निकाल लेंगे 17 आएगा। हमें इसका मान ज्ञात करना है तो 33 का मान होता है 1/√3 मान रख कर हल कर देना, इजी है। साइन और कॉस बराबर है तो कब होता है, ये केवल 45 डिग्री कोण में ही होता है और कहीं नहीं होता है, तो 45 डिग्री होगा ए का मान। फिर है आपके वितरण की मध्य का बतानी है, मध्य का पहले आपको CF ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर आपको n+1/2 लेना पड़ेगा, फिर आपको CF से x में उत्तर निकालना, उत्तर आपका 2 उत्तर आएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, सिक्का है, सिक्का चाहे चित पूछे तो भी 1/2 है, पट पूछे तो भी उत्तर 1/2 है। यूक्लिड विधि से आपको SCF ज्ञात करना है, उत्तर आएगा 45 आएगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर शून्यांक पहले आपको ज्ञात करने हैं, पहले आप शून्यांक ज्ञात कर लेना, ऐसे कौन से गुणा करते 18 आता है, घटाते 7 आता है, वो है आपके 9 × 18 कर लेना। और फिर सत्यता की जांच भी करनी है, ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपके एक आयताकार बगीचा का अर्ध परिमाप दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, भुजाएं ज्ञात करो, 16 और 20 आएगा इसका उत्तर। सातवां क्वेश्चन आपके दे रखा है, 1/(x - 1/(x - 2) = 3 ये लिखा हुआ है, इसमें x का मान 0 और 2 नहीं आना चाहिए, इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगले दो पद ज्ञात करने, तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 17 का 18 है, 5 का 25 होता है, सब में 8 का गैप है, तो 25 के 25 और 8 जोड़ लो तो होते हैं 33, 33 और 8 होते हैं 41, उत्तर आ जाएगा आपके 33 और 41 उत्तर आ जाएगा। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 11वां पद दे रखा है, 16वां पद दे रखा है, बिल्कुल ईजी है। 11वां पद मतलब हो गया a+10d, 16 मतलब हो गया a+15d, यह ऐसा कर दोनों गैप निकाल लो, 16 में से 11 गया, 5d = 33, 1d = कितना आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा, सिंपल दोनों आपस में माइनस कर लो। फिर है आपको ड्रॉ ए लाइन, आपको लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की, उसको 3:2 में बांटना है, ये आपका पहला क्वेश्चन है 11.1 का। फिर है 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है और वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बीच में 70 डिग्री का कोण होना चाहिए, ऐसा आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको कॉस 45 का मान होता है, 1/√2² कर देना, 1/2 हो जाएगा, टेन 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर कर देना 3 हो जाएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2² कर देना 1/2 हो जाएगा, टेन 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर कर देना तो आपके हो जाएगा 1/3। हमें इसका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल थोड़ा हार्ड है, ये 2 नंबर का है, थोड़ा हार्ड है, ध्यान रखना भाई। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, 31 का मान क्या होता है तो 2/√3, 31 का मान क्या होता है कि 2 हल कर देना। फिर इसका हर का परिमेयकरण भी करना है आपको। अब यहाँ पर ये वैल्यू गायब है, हमें के का मान ज्ञात करना है, समांतर माध्य हमारे पास 18 दे रखा है, ये आपके 14.1 का ही क्वेश्चन है।
ये आपके 14.4 का क्वेश्चन है, इसमें आपको तोरण खींचना है, चित्र बनाना है। और पहले तो आपको सेकम वाला ग्राफ बनाना, सेकम वाला, सेकम हमेशा लेते हैं अगली लाइन, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, ऐसे लेते हैं, सीधी सीएफ लेते हैं, 12, 14, 26 और 8, 34 और 6, 40 और 10, 50 ऐसे लिख लीजिए। आठ है ताश देर के, 52 पत्तों की ताश है, काले रंग की बेगम, काले रंग की बेगम दो होती है तो 2/52, हुकुम का इक्का एक ही होता है तो 1/52, लाल रंग का पत्ते 26 होते हैं, 26/52, तस्वीर वाले पत्ते 52 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12/52। अब 8, 3, -2 दे रखा है हमें, 22 पदों का योग याद करना है। तो पहला काम है, देखो हमारे पास ए 8 है, बी हो जाएगा माइनस का 5, एन हो जाएगा 22, तो एस एन वाला बड़ा फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कर लेना। 14 पदों का योग दे रखा है, पहला पद दे रखा है, 20वां पद याद करना है। 14 पदों के योग में से आपके एन दे रखे हैं, प्रथम पद दे रखा है, तो आप लास्ट पद याद कर लो या फिर डी याद कर लो, जो मर्जी उससे कर लो आप। अगला है आपके, इन दोनों से समान दूरी पर है, एक्स अक्ष पर बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु होता है x0। अब हमें x0 से इन दोनों की बराबर दूरी पर एक्स का मान ज्ञात करना है। ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके है 7.1 का क्वेश्चन, ये भी 7.1 का ही है, आपके वाई का मान ज्ञात करना है। दूरी हमारे पास दे रखी, दूरी आनी चाहिए 3 और 6 आनी चाहिए, या 3 या 9 आनी चाहिए। एक पेपर और है, उसमें मैंने अलग अलग एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से आपको एक सिद्ध करना है, चाहे इजी, ये वाला इजी है, ये आप ट्राई कर सकते हो। अगला है आपके मध्य का या माध्य या बहुलक, तीन आते हैं, तीन में से कोई एक आपके एग्जाम में आ सकता है, वैसे आपको तीनों ही तैयार करने हैं। फिर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है माध्यिका का, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको तीनों ही अच्छे से तीन बार पूछेगा, माध्य भी पूछ लेगा, मध्य का भी पूछ लेगा, बहुलक भी पूछ लेगा, आपको तीनों के तीनों अच्छे से आने चाहिए। जैसे बहुलक को इसने 2 नंबर में दे दिया या 1 नंबर में दे दिया, तो बाकी वाले जो 2 पॉइंट है वो 3 नंबर में और 4 नंबर में दे सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको तीनों ही अच्छे से आने चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। इन दोनों का ग्राफ खींचना है, और इनसे क्या होगा कि एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा उसको ऐसे आपको छायांकित करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर लेना, ये इसको आप ग्राफ बना लेना, ग्राफ बनाने के बाद आप इसको एक्स अक्ष पर जो बिंदु आएंगे उन 2 बिंदुओं को आपको लिखना है। 5, 6, 7 का एक त्रिभुज बनाना है, उसका 2/3 लेना है आपको, या फिर 4, 5, 6 का बना लो, उसमें 5/4 भाग ले लो, या तो बनाओ छोटा त्रिभुज या बनाओ बड़ा त्रिभुज। मध्य का बहुलक में से कोई भी एक, मैंने पहले बताया था समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, तीनों में से एक पक्का आप, अगर तीनों आपको आते हैं तो 10 नंबर आप कैसे हो जाएंगे, ग्राफ आपको आता है तो आपके कैसे 5 नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर का है तो 4 नंबर आ जाएंगे। सिद्ध करने वाले पीछे जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करो, ये 2 अच्छे क्वेश्चन हैं इनमें से ही क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे आपको तैयारी करनी है कि अच्छे से अच्छे नंबर। जैसे यहाँ पर भी समांतर माध्य का सवाल है, एक यहाँ दे दिया क्वेश्चन, एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, तो तीनों ही आपको अच्छे से आना चाहिए, समांतर माध्य, मध्य का वो अलग। पेपर का लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ले सकते हैं, मैंने 5 पेपर बनाए हैं और 5ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में मत जाना, चैनल पर जाना, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर रखे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, धन्यवाद।